बीजेपी का मूल मंत्र है रिपीट अ लाई अ थाउजेंड टाइम्स एंड इट बिकम्स द ट्रूथ। एक असत्य को, झूठ को 1,000 बार बोलो और 1,000 बार वो सच्चाई में तब्दील हो जाएगा। इस मंत्र के तहत मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार और एक प्रोपगेंडा शुरू किया गया कि न जाने कौन सा फर्जीवाड़ा हो गया, कौन से जाली दस्तखत हो गए, और इसी के चलते मुझे आज आपके सामने आना पड़ा दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। अमूमन ये देखा जाता है जब भी किसी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार समिति कोई कार्रवाई शुरू करती है, यानी कि कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस कोई प्रोसीडिंग शुरू करती है, तो वो शख्स उस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देता, कोई पब्लिक स्टेटमेंट नहीं देता है। लेकिन मेरे को मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि इतना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी अपने बयान में ना कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के बारे में, ना ऑनरेबल चेयर के बारे में कोई भी बयान दूंगा, मैं सिर्फ रूल पोजीशन और सच्चाई आपके सामने रखूंगा। पहली चीज तो यह है कि यह रूल बुक है जिसके हिसाब से राज्यसभा चलती है, यह रूल बुक लाल किताब, इसमें लिखा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इस रूल बुक में जो लिखा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये रूल बुक कहती है कि किसी भी समिति के, सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए आप नाम प्रस्तावित करते हैं, कोई भी सांसद नाम प्रस्तावित कर सकता है, और जिस मेंबर का नाम प्रपोज किया जाता है, प्रस्तावित किया जाता है, उस मेंबर का ना साइन चाहिए, ना उस मेंबर का सिग्नेचर चाहिए, ना उस मेंबर का रिटन कंसेंट चाहिए। यानी कि इस रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमिटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित, प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, नो सिग्नेचर्स आर टेकन एंड नो सिग्नेचर्स आर सबमिटेड। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। और ये मैं कानून की पोजीशन के हिसाब से बता रहा हूं, और मैं आज इस मंच से बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने, शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को, आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको, अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती देता हूं आज। साथियों, मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि बीजेपी के अज्ञान का, उनके इग्नोरेंस का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब भी कोई विवादित, कॉन्ट्रोवर्शियल बिल सदन के भीतर आता है तो एक समिति गठन की एक प्रक्रिया बताई गई है कि अगर कोई मेंबर चाहे कि इस बिल पर मतदान ना हो, इस बिल पर और चर्चा हो और इस बिल में क्या चेंजेस किए जाएं वो बताए जाएं, उसके लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति में कुछ नाम प्रस्तावित किए जाते हैं और जिस शख्स को उस समिति में नहीं रहना वो अपना नाम विड्रॉ कर लेता है। ये प्रपोजल है, ये प्रस्ताव है, किसी को जर जबरदस्ती नहीं बिठा दिया। मैं आपको एक बहुत सरल एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाना चाहूंगा और आप सब वो मेरी बात समझ जाए। मान लीजिए कि मेरा जन्मदिन है, मैं अपनी जन्मदिन की दावत देता हूं, एक बर्थडे पार्टी आयोजित करता हूं। अपनी बर्थडे पार्टी में मैं 10 लोगों को न्योता देता हूं आने के लिए, 10 में से 8 लोग मेरा न्योता स्वीकार लेते हैं, आ जाते हैं,
दो लोग मेरा न्योता नहीं स्वीकारते, उल्टा मुझे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने की, तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, मजाल कैसे होगी कि तुमने हमें अपने जन्मदिन का न्योता दे दिया। ये वही बात है, मैंने तो समिति में शामिल करने के लिए न्योता दिया, कोई हस्ताक्षर थोड़ी दिया। लेकिन वो दो लोग मुझसे खफा हो गए। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे पत्रकार आए हैं, मैंने अपनी पार्टी को 10 पत्रकारों का नाम प्रस्तावित किया कि इन 10 पत्रकारों को आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला लीजिएगा, मैं मीडिया से संवाद करना चाहता हूं। 10 में से 8 पत्रकार आ गए, 2 पत्रकार नहीं आए, और जो 2 पत्रकार नहीं आए वो कहते हैं इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें न्योता देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 2 पत्रकार नाराज हो गए। ये साफ तौर पे इस समस्या का एक सरल सा एग्जाम्पल है। मैं ये बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे खिलाफ कंप्लेंट्स दर्ज हुई, जिस मामले को कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को रेफर करा गया, उसका ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन नहीं, सरकारी डॉक्यूमेंट है। मैं आज बहुत सबूत लाया हूं दिखाने के लिए आप सबको, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये पार्लियामेंट्री बुलेटिन है जिसके तहत मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई उसे विशेषाधिकार समिति को विचार के लिए भेजा गया। इस पूरी पार्लियामेंट्री बुलेटिन में कहीं भी फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, फोर्ज्ड साइन, सिग्नेचर, हस्ताक्षर, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। सिर्फ इतना बोला गया कि इसकी जांच करके बताइए, अगर कोई फोर्जरी होती, कोई फर्जीवाड़ा होता, सिग्नेचर शब्द का प्रयोग तो कम से कम किया गया होता इस पार्लियामेंट्री बुलेटिन में। यह सरकारी दस्तावेज है राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का, इसमें भी कहीं जिक्र नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जब साइन है ही नहीं तो साइन आएंगे कहां से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ का मुकाबला करना आसान नहीं है, इसलिए आज आपके सामने आकर ये बात रखनी पड़ी। और जहां तक विशेषाधिकार समिति का प्रोसीडिंग्स का मामला है, प्रिविलेज कमेटी का मामला है, इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने प्रोसीडिंग्स शुरू करी, कार्रवाइयां करी, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का नाम आता है, मनमोहन सिंह जी का नाम आता है, मुरारजी देसाई जी का नाम आता है, सुषमा स्वराज जी का नाम आता है, अरुण जेटली जी का नाम आता है। उस श्रेणी के अंदर अगर हमें भी शामिल किया गया तो कोई बात नहीं, हम मजबूती से अपना जवाब विशेषाधिकार समिति के सामने, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस के सामने देंगे। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं और पूरी न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, और मेरा विश्वास है कि कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस अंत में दूध का दूध और पानी का पानी कर न्याय अवश्य करेगी।